बिग बॉस सीजन 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी की फैन फॉलोइंग में खूब इजाफा हुआ है। हाल ही में वो कोलकाता में नजर आए। कोलकाता में एक रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर वो अपने फैंस के आसपास घिरे हुए दिखाई दिए। फैंस इतने ज्यादा थे कि उनको वहीं पर घेर लिया गया और इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी जब रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो वहां पर उनके फैंस काफी भीड़ लगाकर खड़े हुए थे और मुनव्वर फारूकी के साथ एक पिक्चर क्लिक करवाने के लिए जिद कर रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी कि मुनव्वर फारूकी को निकलने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है और कहा है कि मुनव्वर फारूकी को बाउंसर्स लगने चाहिए। आखिर मुनव्वर फारूकी अपने साथ कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते हैं? जैसे कि आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी इस वक्त कोलकाता में हैं और वो अपने एक वीडियो शूट के लिए वहां गए थे, जहां उनको एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था। वहां से निकलते वक्त उनके साथ उनके फैंस की भीड़ जमा हो गई, जहां पर भीड़ इतनी अग्रेसिव दिखाई दी कि वहां पर मुनव्वर फारूकी के साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी भीड़ के आसपास खड़े हैं और वहां पर किसी का हाथ आता है और मुनव्वर फारूकी के गिरेबान तक चला जाता है और उन्हें थोड़े से घसीटने की कोशिश भी की जाती है। इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी के साथ इस वक्त प्रोड्यूसर राघव शर्मा और उनके दोस्त सदाकत भी होते हैं। भीड़ जब अग्रेसिव होती है तो राघव शर्मा वहां से थोड़ा सा हट जाते हैं, जबकि सदाकत भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। फैंस का इतना क्रेज है कि मुनव्वर फारूकी को हर तरफ भीड़ घेर लेती है, जो कि सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि ये अनसेफ बनता जा रहा है। मुनव्वर फारूकी जब भी क्राउडेड प्लेस में जाएं तो उन्हें एक बॉडीगार्ड या फिर कोई बाउंसर जरूर रखना चाहिए अपने साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के क्या रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूजर ने लिखा, बिल्कुल बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए था। वहीं और यूजर ने लिखा, ये लोग इतने पागल हैं कि मुनव्वर पे ही चढ़ जाते हैं, छी कोई सेंस ही नहीं है। फैन कुछ तमीज तो होनी चाहिए इन लोगों को, वो आदमी घुटन होगी उसको, क्या पागल लोग हैं, सांस तो लेना नहीं देते ये, बाउंसर्स को ला नहीं सकते हैं क्या भीड़ में। वहीं और यूजर ने लिखा, इट वॉज नॉट ऑल सेफ, अभी सेफ नहीं है पूरी तरह, हिना और उसके लिए भी। वहीं और यूजर ने लिखा, OMG, क्यों मुनव्वर फारूकी बॉडीगार्ड का अरेंजमेंट नहीं करते, अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा ऐसी जगहों पर। एक और यूजर ने लिखा, हाई टाइम, ये अब समय आ गया है कि एक पर्सनल बाउंसर रखें। एक और यूजर ने लिखा, समीर हवा का झोंका, नाम तो सुना ही होगा। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बात है मुनव्वर भाई, अरे क्या बात है, अरे लाइला जल्दी कर मुनव्वर भाई, पर रुको भागो भाई, रुको रुको साथ में होना राघव भाई, आ जाओ साथ में, आ जाओ राघव भाई, मुनव्वर भाई यहाँ पे यहाँ पे सामने यहाँ पे भाई, डोंगरी का राजा आज एयरपोर्ट पे, शुक्रिया भाई, कैसे हो भाई, आई मुझे ना क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा भाई थोड़ा स्लो चलिए, मिलते नहीं ना आप एयरपोर्ट पे, हमें यहाँ से आइए, नहीं आप बाहर ही मिलते हो, हम एयरपोर्ट वाले ना इसलिए हमको नहीं मिलते। थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई, रुको भाई बुलाओ भाई।